अच्छा आप बताओ इंग्लिश का एग्जाम कैसा रहा? अच्छा रहा। कैसा रहा इंग्लिश का एग्जाम? बहुत अच्छा गया। कितना मार्क्स आ सकता है? पूरा आ सकता है, फुल मार्क्स था। तो और लोगों से हम बात कर रही हैं, कुछ लोगों का कहना है कैसा रहा इंग्लिश का एग्जाम? बहुत अच्छा गया। कितना कितना मार्क्स इतना आ सकता है? 100 में 50? हाँ। बस हाँ। तो कुछ लोगों का कहना है कि 100 में मात्र 50 ही आ सकता है, कैसा रहा? अच्छा जी, बहुत अच्छा रहा। कितना मार्क्स आ सकता है इंग्लिश में? जी 80+ में। 80+ जी। अच्छा कैसा कैसा था? बहुत अच्छा। इंग्लिश माय फेवरेट सब्जेक्ट, इट्स गोइंग ऑन वेल। इंग्लिश के एग्जाम कैसा रहा? एक सवाल है, एक सवाल है, आप तो सुनिए। बहुत अच्छा गया एग्जाम, आजकल माय फेवरेट सब्जेक्ट। हालांकि इंग्लिश बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो समझते हैं कि अंडर 10 तक इंग्लिश कंपलसरी नहीं होता, लेकिन आफ्टर 10 बहुत ज़्यादा कंपलसरी हो जाता है, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ सही है, बिहार बोर्ड में नहीं बट और सब बोर्ड में कंपलसरी है, ध्यान देना चाहिए ना इंग्लिश पे। हाँ श्योर। एग्जाम दे के आ रहे हैं इंग्लिश का? इंग्लिश का वर्ड मतलब क्या होता है? व्हाट मींस क्या होता है? व्हाट मतलब क्या? क्या क्या व्हाट मींस क्या मतलब? व्हाट मींस क्या होगा? व्हाट मींस क्या ही होता है, इसका हिंदी में मतलब क्या ही होता है? अच्छा क्या होता है? हाँ और क्या? एग्जाम दियो। हाँ एग्जाम दियो। व्हाट मतलब क्या होता है? व्हाट मींस थोड़ा थोड़ा हाँ। बता दूँ कि 10वां का आज इंग्लिश का एग्जाम था और कुछ बच्चों से हम पूछेंगे कि कैसा रहा इंग्लिश, इंग्लिश का पेपर कैसा रहा, कितना कैसा रहा एग्जाम आज इंग्लिश का। तो और लोगों से हम बात कर रही हैं, कुछ लोगों का कहना है कैसा रहा इंग्लिश का एग्जाम? बहुत अच्छा गया। कितना कितना मार्क्स इतना आ सकता है? 100 में 50? हाँ। बस हाँ। तो कुछ लोगों का कहना है कि 100 में मात्र 50 ही आ सकता है, कैसा रहा इंग्लिश का एग्जाम? अच्छा हुआ है। कितना कितना मार्क्स ला सकती है? 40-45। लेकिन पूरा तो 100 नंबर का है। हाँ जी पूरा, माने अब हम लोग का थोड़ी ना उतना मालूम है, जो चेक करेगा उतना जिनका ना मालूम है इसलिए हम। अच्छा कैसा रहा इंग्लिश का एग्जाम? बहुत अच्छा। अच्छा आप लोग बताओ, आप लोग बताओ इंग्लिश का एग्जाम कैसा रहा? एग्जाम दे क्या रहे हैं इंग्लिश का? इंग्लिश का वर्ड मतलब क्या होता है? वर्ड मींस क्या होता है? वर्ड मतलब क्या? क्या क्या वर्ड मींस क्या मतलब? वर्ड मींस क्या होगा? वर्ड मींस क्या ही होता है, इसका हिंदी में मतलब क्या ही होता है? अच्छा क्या होता है? हां और क्या? हाउ का मतलब? हाउ मींस कैसे भैया? हाउ आर यू भाई? आप कैसे हैं? और कितना कितना मार्क्स ला सकते हो अंग्रेजी में? भाई हमको तो 70 आ सकते हैं। 70? हां क्यों क्यों भाई, बस जितना परफॉर्मेंस होगा उतना ना आएगा भाई, गारंटी तो नहीं ना आएगा, इतना ला सकते हैं गारंटी नहीं है, गारंटी के सत्ता आ सकता है, लेकिन कुछ बच्चे का आता है ना अगर बढ़िया से पढ़ाई कर ले तो। बिल्कुल आएगा भाई, हम लोग तो इंग्लिश से बीएससी करा है तुम्हें, हम लोग तो बिहार बोर्ड का है, मतलब अपना जितना मेहनत करेंगे उतना ही ना आएगा नंबर। तुम भी एग्जाम? हाँ बोलिए। एग्जाम दियो। हाँ एग्जाम दियो। हट मतलब क्या होगा? हट मीस थोड़ा थोड़ा मतलब क्या होता है? क्या मतलब क्या क्या आप लोग बात करोगे? कुछ नहीं। क्यों? कौन सा पेपर दिया? इंग्लिश का। इंग्लिश का? हाँ। इंग्लिश का स्पेलिंग पता है आपको? हाँ। क्या होता है? ENGLISH। अच्छा इंग्लिश का फादर कौन है पता आपको? इंग्लिश का फादर नहीं पता है। अच्छा व्हाट मतलब क्या होता है? शब्द होता है। अच्छा शब्द होता है। हाँ। अच्छा ये बताइए कि आपका अंग्रेजी में मार्क्स कितना आएगा? अंग्रेजी में मार्क्स नंबर कितना लाएंगे? नंबर 60 से ऊपर जाएगा। 60 से ऊपर जाएगा। कैसे? अच्छा लिखिए। हाँ। अंग्रेजी में एप्लीकेशन लिख ली थी आप? हाँ। किसी को भी एप्लीकेशन? टीचर? हाँ। को लिख दिया? हाँ। अच्छा कौन सा कॉलेज में आपका सेंटर गया था? मंगा सेमिनारी। अच्छा।